कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज, कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली पराजय पर बीजेपी नेता व राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सेना और एनसीपी पर ताना मारा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जिनकी पार्टी कर्नाटक में नहीं है, न ही उन्हें कोई जगह मिली है, फिर भी वो नाच रहे हैं। फडणवीस ने आगे कहा कि हम सभी को पता है कि 1985 से वहां पर सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन हमें लगा था कि इस बार हम ये ट्रेंड तोड़ने में सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फडणवीस ने कहा कि यह सत्य है कि कर्नाटक चुनाव में हमें सफलता नहीं मिली, मैं जीतने वालों को बधाई देता हूं, परंतु कर्नाटक चुनाव का विश्लेषण करें तो साल 1985 से वहां और किसी की भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। साल 2018 में जब हमें 106 सीटें मिली थी तब हमें 36% वोट मिले थे, लेकिन इस बार हमें 35.60% वोट मिले, यानी वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 0.40% घटा है। फडणवीस ने दावा किया कि बीजेपी के वोट कम नहीं हुए हैं, कांग्रेस को जेडीएस का 5% वोट ट्रांसफर हुआ है। कुछ लोग कर्नाटक के उदाहरण देकर देश जीतने की बात कर रहे हैं, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। देश की राजनीति को दी गई नई उम्मीद, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में एकाधिकारशाही और तानाशाही को पराजित करने की शुरुआत कर्नाटक चुनाव से हुई है। कर्नाटक की जनता का अभिनंदन करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि कर्नाटक चुनाव ने देश की राजनीति को नई दिशा और नई उम्मीद की किरण दिखाई है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोर जबरदस्ती से हटाई सत्ता को कर्नाटक की जनता ने निडरता से उखाड़ फेंका। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का हिंदू मुस्लिम बजरंग बली हिजाब जैसे धार्मिक मुद्दे काम नहीं आए। कांग्रेस ने जहां जनता के प्रश्नों और मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, यह 2024 चुनावों की जीत की शुरुआत है। साथ ही पूर्व सीएम ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बधाई दी। पवार ने बुलाई विपक्ष की बैठक, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कर्नाटक के चुनाव में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया है, उसी तरह का गुस्सा महाराष्ट्र की जनता में भी बीजेपी शिंदे सरकार के खिलाफ है। महाराष्ट्र के लोग बदलाव चाहते हैं। पवार ने कहा कि जल्द ही महाविकास अघाड़ी की बैठक बुलाएंगे। हमारे अलग अलग लड़ने का सवाल ही नहीं है, अब हमें लगता है कि तीनों पार्टियों को साथ आना चाहिए और छोटे दलों को भी भरोसे में लेना चाहिए, लेकिन मैं ये फैसला अकेले नहीं लूंगा बल्कि बाकी साथियों से इस पर चर्चा करूंगा। एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे ज्यादातर राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है। अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो हम कर्नाटक चुनाव से देश की तस्वीर का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक चुनाव में काम आई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से हराने की भूमिका निभाई। इसका मुख्य कारण भ्रष्टाचार, शक्ति संसाधनों का दुरुपयोग और शासकों का ये विश्वास है कि वे जनता को तोड़कर शासन कर सकते हैं। अब ऐसा ही देश भर में होगा।